भील हमेशा से स्वतंत्रता प्रिय रहे। सदियों से भारतवर्ष पर कई आक्रमणकारी आए और इस देश की संस्कृति पर प्रहार किया, लोगों को अपना गुलाम बनाया और बहुत से आक्रमणकारी धन संपदा लूट कर ले गए। लेकिन भील वह थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। एक ऐसा ही भीलों की वीरता का किस्सा गुजरात में घटित हुआ। उस समय भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। भारतीय राजा अंग्रेजों के सामने घुटने टेके बैठे थे। अंग्रेज धीरे धीरे उन इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे जहां उनकी पकड़ नहीं थी। हमेशा से अंग्रेजों के फुट डालो और राज करो की नीति रही थी। अंग्रेज भारतीयों को आपस में लड़वा कर खुद राजा बन बैठे थे और इसी तरह वे गुजरात के डांग पर भी कब्जा जमाना चाहते थे। डांग जिसे प्राचीन भारतीय शास्त्रों में अरण्य का नाम से जाना जाता है। डांग का इतिहास रामायण और महाभारत से जुड़ा है। डांग को दक्षिणांचल या दंडक भी कहते हैं। डांग पर सदियों से भील राजाओं का शासन रहा। 14वीं शताब्दी में डांग के राजाओं ने मुगलों से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बनाना उचित समझा। डांग में 5 राजा हुए जिनमें लिंगा, दहर, गढ़वी, वसुना और पिंपरी 5 रियासतों पर भील राजाओं का अधिकार था। आखिरकार वह दिन आया जब अंग्रेजों ने डांग को अपने कब्जे में लेने की सोची और अंग्रेजी कमांडर अपने पूरे सैन्य शक्ति के साथ डांग पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास बंदूकें, तोप, बम और एक बड़ी सेना थी, तो वहीं भील राजाओं के पास तीर, कमान, भाले, कोफण और तलवारें थी। आधुनिक हथियारों की इसी कमी के कारण अंग्रेज भारत को अपना गुलाम बनाते जा रहे थे। लेकिन डांग में इन भील राजाओं ने अपने देसी जुगाड़ से अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लश्कर या आम बम सबसे बड़ा युद्ध हुआ जहां भील राजाओं ने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया और अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। अंग्रेजों को खूब पीटा गया और इस प्रकार अंग्रेज डांग छोड़कर भाग गए। लेकिन अंग्रेज फिर से बहुत बड़ी सेना लेकर डांग पर आक्रमण करने तक बढ़े। अंग्रेजों इन भील राजाओं के बीच फूट डालने का भी प्रयास किया। इन भील राजाओं में एकता बनी रही और शायद इसी कारण डांग कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बन पाया। करीब 30 से 40 वर्ष तक भील राजाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होते रहे, लेकिन इन 5 राजाओं की वीरता के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। आज डांग का हर व्यक्ति अपने इतिहास को जानकर गौरवान्वित होता है और इस प्रकार यह भील राजा भारतीयों को आज़ादी और वीरता का पाठ पढ़ा गया। 1842 में अंग्रेजों और भील राजाओं के मध्य एक संधि हुई और अंग्रेजों को कुछ प्राकृतिक उत्पाद उपयोग करने की इजाज़त दी गई। बदले में कुछ धन इन राजाओं को दिया गया। वर्तमान भारत में यह भील राजा एकमात्र वंशानुगत राजा है। साथ ही साथ इन्हें अंग्रेजों के समय अंग्रेज सरकार द्वारा पेंशन दिया करती थी और वर्तमान में भारत सरकार इन राजाओं को पेंशन देती है। हर साल डांग में डांग दरबार का आयोजन होता है जिसमें यह राजा शाही अंदाज में लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं।